तो इस तरह की घटनाएं ऐसा लग रहा है कि आम होती जा रही है। ये जो चार मामले आप देख रहे हैं ये वैसे ही मामले हैं जहां नृशंस हत्या की गई है। दाऊद शेख जो नवी मुंबई की खबर हम आपको बता रहे थे वो सबसे पहला मामला, यशश्री शिंदे की निर्मम हत्या कर दी जाती है और वो फरार हो जाता है। आफताब पूना वाला, आपको श्रद्धा वालकर की वो दिल्ली की तस्वीरें याद होंगी जहां लगातार चाकू से हमला किया गया था और तब तक जब तक उसकी जान नहीं चली गई और उसके बाद उसे छिपा भी दिया गया। फैयाज नेहा की हत्या, हुबली कर्नाटक से यह खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया और सब सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर मानवता को ऐसे भी कोई शर्मसार कर सकता है। फरियाद हुसैन जिसने नाबालिग की हत्या की, बरेली उत्तर प्रदेश की यह खबर आई थी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। और इसीलिए सवाल यह बना हुआ है कि बार बार इस तरह की घटनाएं ऐसे, इतनी हिम्मत इन दरिंदों में आती कहां से है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। कोई कैसे इतना जल्लाद हो सकता है, कोई कैसे इतना बेरहम हो सकता है, कोई कैसे मोहब्बत के नाम पर लड़की की जिंदगी छीन सकता है। यह सवाल अब हर किसी को कचोट रहा है क्योंकि मुंबई की यशश्री के साथ दरिंदे दाऊद ने इश्क में बदलापुर की ऐसी कहानी लिख दी कि हर कोई अब सन्न है। दरिंदे दाऊद ने यशश्री के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि किसी का भी दिल दहल जाए। तस्वीरों में दिख रहे इस बेरहम हत्यारे ने पहले नवी मुंबई के उरण की रहने वाली यशश्री शिंदे का बेरहमी से कत्ल किया और फिर फरार हो गया। एक फोन आया था कि उरण रेलवे स्टेशन के सामने एक झाड़ी में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचते ही तहकीकात करने के बाद ये पता चला कि ये तकरीबन 20 साल की एक लड़की थी, उसको किसी ने स्टैबिंग करके वो वहाँ पे उसका डेथ हुआ था। उसके सिलसिले में हम लोगों ने BNS 103 के तहत गुनाह दाखिल किया है और आगे का तपास कर रहे हैं। दरअसल 3 दिन से गायब यशश्री के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद तलाश में जुटे पुलिस को पनवेल उरण हाईवे के किनारे झाड़ियों में क्षत विक्षत अवस्था में यशश्री का शव मिला, जिसको देखकर साफ पता चल रहा था कि यशश्री के साथ दरिंदे दाऊद ने कितनी क्रूरता की होगी, कितनी बेरहमी से यशश्री की हत्या की होगी। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि दाऊद ने यशश्री के प्राइवेट अंगों पर काफी वार किए थे, उसके हाथ पैर भी तोड़े गए थे। यशश्री के पीठ और पेट पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे, चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था। सोचिए कितनी बेरहमी से दरिंदे दाऊद शेख ने यशश्री पर वार किए। यशश्री के साथ इतनी क्रूरता की गई कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। यशश्री के कपड़े फटे हुए थे। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया है वो तो और भी रूह कपाने वाला है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक यशश्री के साथ बेरहमी करने से पहले दरिंदे दाऊद शेख ने उसका बलात्कार किया। फिलहाल पुलिस दरिंदे दाऊद शेख को तलाश रही है, लेकिन इस ब्रूटल मर्डर की क्राइम कुंडली के तार 5 साल पुरानी घटना से जुड़े हैं। साल 2019 में यशश्री के पिता ने दाऊद शेख के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। दरअसल दाऊद शेख नाबालिग यशश्री के साथ गलत हरकत कर रहा था। पुलिस ने शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और फिर पुलिस ने दाऊद शेख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल से छूटने के बाद दाऊद शेख कर्नाटक चला गया, लेकिन वहां से भी दाऊद ने यशश्री शिंदे से संपर्क जारी रखा। वहीं पुलिस ने अब दाऊद शेख को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई है और एक टीम को कर्नाटक भेजा है क्योंकि वारदात के वक्त भी पुलिस को दाऊद शेख की लोकेशन उरण में मिली थी, जिसके बाद पुलिस को शक है कि दाऊद शेख ने उरण आकर पहले यशश्री को मिलने के लिए बुलाया और फिर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, सवाल यह है कि जिस तरीके से दाऊद ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया उसके बाद आखिर अब वो कहां पर है,
उसके पिता भी कह रहे हैं कि उसने पहले भी इसी तरीके से लड़की के साथ कैसे बदतमीजी की थी, उस वक्त भी मामला जो है वो दर्ज हुआ था और उसके बाद फिर ये पूरा प्रकरण हो जाना। देखिए, यही तलाश कर रही है न्यू मुंबई पुलिस और लगातार ढूंढ रही है दाऊद कहाँ है। 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक दाऊद का कुछ पता नहीं चल पाया है। 4 टीमें बनाई गई है, 2 टीमें जो बंगलुरु गई है जो कि अलग अलग लोकेशन में बंगलुरु के ढूंढ रही है, तीसरा जो है महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे गई है। मैं इस समय उरण पुलिस स्टेशन में हूँ, यहाँ पे तस्वीर दिखा रहा हूँ कि कुछ लोग पहले आए थे, वापस लौटेंगे लेकिन अभी सदन के अंदर सीधे लिए चलते हैं। सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, सीधे वहां चलते हैं फिर वापस लौटते हैं आपके पास। नए कैरियर की तैयारी के लिए भी भारी संख्या में छात्र आने शुरू हुए। उल्लेखनीय बात यह है कि इसके लिए जो कोचिंग संस्थाएं थीं, उनको जिस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी वैसा होता दिखाई नहीं पड़ा। उससे अधिक संवेदनशील बात यह है कि सरकार को जिस गंभीरता और सतर्कता के साथ उस पर नजर रखनी पड़ती थी, पड़नी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों को के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया, मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। बजाय इसके कि वो नाना प्रकार से चीजों में इस चीज में अपना बचाव और मैं कहूं कि कुछ हद तक निर्लज्जता के साथ राजनीति करते हुए नजर आए। निर्लज्जता विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। ओके, मैं आपकी बात पे शब्द वापस लेता हूं। मैं कहूंगा पूरी तरीके से लापरवाही के साथ और अनुचित भावना के साथ अपना विचार या यूं कहूं भ्रम फैलाते हुए नजर आए। अब यहां पर मैं बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर यह घटना अचानक हो गई होती तो हम ये मान सकते थे कि सरकार अनायास इन चीजों को समझ नहीं पाई। मैं सदन के समक्ष यह विषय आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि इस विषय पे संबंधित छात्रों के द्वारा अनेक कंप्लेंट्स की गई और उन कंप्लेंट्स के रिमाइंडर भी किए गए, जिसमें एक कंप्लेन 26 जुलाई को एक छात्र के द्वारा की गई है जिसमें उसने बहुत साफ लिखा है कि वो करोलबाग का निवासी है, राव आईएएस के बेसमेंट में परमिशन के बगैर एनओसी के क्लासरूम संचालित हो रहे हैं। मैं पूरी वो नहीं पढ़ रहा हूं। अंत में वो कहता है कि श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार के बड़े बड़े यूपीएससी के कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों का जीवन दांव पर लगाकर अवैध जगहों पर कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये 26 जून का है। ये एप्लीकेशन कहां दी गई? ये एप्लीकेशन एनसीटी दिल्ली को रिसीव की गई है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन में। पुट इट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस आल्सो। डेफिनेटली हम ये पुट कर देंगे, आप फ्लोर पे रखता हूं। और उसमें रिमाइंडर भी है, रिमाइंडर है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, 15 जुलाई का रिमाइंडर। उसमें वो ये कहते हैं कि सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टू टेक द एक्शन। फिर 22 जुलाई को एक हफ्ते के बाद फिर वो रिमाइंडर देता, सर प्लीज टेक एक्शन, द इशू ऑफ स्टूडेंट सेफ्टी इज देयर। मगर इसके बावजूद सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है और इतनी बड़ी घटना अंजाम दी जी। अब एक और मैं विषय ध्यान देना चाहता हूं इसी बीच में। ये 26 जून से लेके और 22 जुलाई के बीच की घटना है, परंतु इसी बीच में इसी बिल्डिंग को 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट एनओसी दे देता है। यानी ये कार्रवाई चल रही है, वो एनओसी की कॉपी भी मैं आपके समक्ष रख सकता हूं और एनओसी में बेसमेंट को स्टोरेज के लिए दिखाया गया है। अब यदि वो फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दी है और स्टोरेज के लिए दिया है तो क्या बगैर इंस्पेक्शन के किया? क्योंकि 26 जून को शिकायत चल रही है और 9 जुलाई को एक दूसरा विभाग स्टोरेज के लिए दे रहा है, तो या तो बगैर देखे हुए दिया गया है या फिर बहुत देख समझ कर किसी अन्य अपरिहार्य कारणों के माध्यम से लिया गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। और मुझे अधिक वेदना इसलिए होती है
सभापति महोदय कि दिल्ली में मात्र कुछ दिन पहले पीने के पानी की किल्लत थी और उससे लोगों की जान जहमत में थी, आज सीवर के पानी से जान हलकान है। आप सोचिए कि जो लोग इतने लंबे समय से हुकूमत कर रहे हैं और पहले कहते थे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, आज तो एमसीडी भी आपके पास है, सरकार भी आपके पास है, और जो कहते थे कि नई राजनीति लाएंगे, वो नई राजनीति कितनी खतरनाक साबित हो रही है और लोगों की जान कैसी हलकान किए हुए है, और उसके बावजूद उनकी तरफ से सिर्फ सियासी बयान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूं महोदय, अभी हम लोग जुलाई के महीने में, 6 महीने बाद जाड़े का दौर शुरू होगा, सांस लेने की भी तकलीफ होगी। यानी पानी का विषय हो, जमुना की सफाई का विषय हो, या सांस हवा की सफाई का विषय हो, सारी